जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग एमएफएल इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी समय पता है कि एमएफएल इंडिया जो कंपनी है ये एक लॉजिस्टिक एंड कार्गो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप किसी कंपनी को देखते हैं तो इसमें ये क्या काम करते हैं कंपनी, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट की जो सर्विसेज हैं वो आपको पता है कि हमेशा डिमांड में रहेंगी। ट्रांसपोर्ट की सेवाएं देने वाली जो कंपनियां हैं वह भी हमेशा डिमांड में रहेंगी। चाहे एमएफएल इंडिया को डिस्कशन करना समय समय पर जरूर रहता है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या अभी इसमें अपडेट निकल कर सामने आया है, आपका इन्वेस्टमेंट है और जिनका नया इन्वेस्टमेंट भी इसमें होना अभी बाकी है उन्हें क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है। तो काम के यहाँ पर तुमने समझ गए कंपनी काम क्या करती है। यहाँ पर 1 साल का चार्ट ओपन कर दिया है। 1 साल का चार्ट पर आप ध्यान से देखिए, कंपनी का शेयर प्राइस धीरे धीरे नीचे आया नीचे आया नीचे आके यहाँ पर इसने फाइनली सपोर्ट लिया 70 पैसा का, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि अप्रैल में थोड़ा सा प्राइस इसके भी नीचे आ गया था, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू टाइप बनाया। हालांकि जब भी डब्ल्यू का फॉर्मेशन होता है तो शेयर प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर गया भी, लेकिन ये जो चूंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन था इसको ब्रेक नहीं कर पाया और देखेंगे तो यहीं पे स्टॉक का जो प्राइस है वो कॉन्सोलिडेट करने लगा। ये 70 पैसा से लेके इस कंपनी का शेयर प्राइस 60 पैसा, इसी के बीच में काफ़ी दिनों तक कॉन्सोलिडेट किया। हालांकि अगस्त के बाद स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला, शायद क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया होगा। उसमें देखिए, जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर इस लाइन से इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर चला गया एक स्टेप, और फिर जाके 70 पैसा से लेकर 80 पैसा, जो कि यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा समय बिताया था इसी लेवल के आसपास, इसमें फिर से कंसोलिडेशन होने लगा। अब क्या होगा, अगला जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, अगर थोड़ा बहुत भी फंडामेंटल बेहतर होते हुए आपको दिखा, यानी कि वैसे तो फंडामेंटल क्वार्टर के रिजल्ट में आपको आगे दिखाऊंगा, उसमें दिख रहा है कि फंडामेंटल धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, तो फिर ये एक स्टेप और ऊपर निकलेगा, इससे प्राइस ऊपर निकलेगा। और इस बार ऊपर निकलेगा तो इस लाइन में नहीं आएगा बल्कि सीधे इस लाइन में आके ये सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका पहले से ही एक रेजिस्टेंस है। तो 1 रुपये तक, यानी कि आप बहुत शॉर्ट टर्म में इस कंपनी का शेयर प्राइस ये जो 80 पैसा के आसपास चल रहा है यहाँ से लेकर 1 रुपये तक जाते हुए देख सकते हैं। तो पहली बात, जिनका इसमें इन्वेस्टमेंट है और जो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहते हैं या उब गए हैं इस तरह के स्टॉक है, बहुत सारे लोग होते हैं पेनी स्टॉक में जिनका इन्वेस्टमेंट होता है, ज़्यादा समय तक नहीं बने रहना चाहते, तो यहाँ पर वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। बाकी कुछ नया लोग हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो जब वो इस रेजिस्टेंस से शेयर का इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर निकले तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद। हालांकि मेरे हिसाब से आपके लिए ओके है। तो ये तो बात हम लोगों चार्ट पर समझ गए कि नए व्यक्ति के लिए क्या करना है और जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है उन्हें क्या करना है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन कौन कौन से, किस कंपनियों से एमएफएल इंडिया की हम तुलना कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए स्पाइस जेट इस कंपनी की तुलना, हालांकि स्पाइस जेट इसकी तुलना में नहीं है, एमएफएल इंडिया स्पाइस जेट जेट एयरवेज और जेट एयरवेज के साथ ही इसमें देखेंगे जेट फ्रेट है, इस तरह की कंपनियों के कंपेरिजन में आता है। यानी कि इसकी तुलना हम अच्छे अच्छे कंपनियों से कर सकते हैं जो कि एयरलाइंस कंपनी है ही, साथ में ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए इसको एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कहते हैं स्पाइस जेट और जेट एयरवेज जैसी कंपनियों को। तो एक अच्छी कंपनियों के श्रेणी में एमएफएल इंडिया को भी हम रख सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी के सेल्स की बात करें तो देखिए, ये जो सेल्स आप दिख रहे हैं और अभी का जो आप सेल्स दिख रहे हैं, देखिए दिसंबर 2023 की बात मैं कर रहा हूँ, देखिए कितना का अंतर है, कई गुना ज़्यादा कंपनी का सेल्स हो रहा है। हालांकि पिछले क्वार्टर मुकाबले इस क्वार्टर में कम आया था, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि अभी अगला क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है इसमें इस तीनों से भी, इससे और इससे भी कंपनी का सेल्स ज़्यादा होगा। और सबसे कमाल की बात, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार आपको बढ़ते हुए दिखा है, माइनस में नहीं है, काफ़ी दिनों बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए दिखा है। यानी कि ओवरऑल कहें तो कंपनी का सेल्स प्रॉफिट, हर एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे कमाई, तो वो बढ़ते हुए दिखा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है, और जब फंडामेंटल मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कंपनी जो काम करती है उस सेक्टर में तेजी रहने वाली है और आगे भी उसका डिमांड बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि एमएफएल इंडिया के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल है कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।